सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट गुरु। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप श्रम कार्ड धारक हैं यानी आपके पास श्रम कार्ड है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आपको उसके लिए लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आपको 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक के लिए आपको इसमें लाभ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, आपको कैसे क्या करना होगा, फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च कर देंगे ई श्रम, ठीक है। तो आपको ई श्रम सर्च कर देना होगा। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली लिंक दिख रही है ई श्रम होम, सिंपली आपको इसी में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाती है, जिसमें लिखा है ई श्रम, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको हिंदी वर्जन में दिखाऊंगा, तो यहाँ पर से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ लिखा है योजनाएं के एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना, सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ई श्रम कार्ड में जो नई नोटिफिकेशन है तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता भी लिखी हुई है और लाभ के बारे में भी यहाँ पर दिया गया हुआ है। पात्रता दोस्तों, आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए, कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 1559 वर्ष की आयु के बीच कोई सदस्य नहीं है, या फिर कोई परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य है वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र है। जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है वो भी केवल अनियमित तो सब में संलग्न है। तो लाभ की बात करें तो लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में आपको 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सहायता आपको प्राप्त होगी, ठीक है। दोस्तों, ये योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको आवेदन आपको कैसे करना होगा। आवेदन करने के लिए दोस्तों, आपको इसकी प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY जी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आ जाना होगा। दोस्तों, इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, वहां से जाकर आप सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों, यहाँ आने के पास आपको दे रहा होगा ए पावर सॉफ्ट, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर लिखा डाटा एंट्री, सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे। डाटा एंट्री में यहाँ आने वाला जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है डाटा एंट्री फॉर आवास, सिंपली आपको लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा प्लीज सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पर स्टेट आप डाल देंगे, यहाँ जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने को दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे सामने इंटरफेस खुलकर आ चुका है, इसमें लिखा इंस्पेक्टर लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड। दोस्तों, आपके पास तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा तो उसके लिए करना क्या होगा। दोस्तों, ये जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है ये आपके ब्लॉक स्तर का अधिकारी जो होता है उसके पास होता है। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करेंगे तो आपको जो ब्लॉक स्तर का अधिकारी होगा उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, यानी आपको उसके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जिसमें आपको अपना श्रम कार्ड भी आपको लगाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने जो निकट ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है उसके पास आपको सिंपली जमा करना होगा और उसे बोलना होगा कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करवाना है, तो आपको सारे कागज दे देंगे। तो आप वो अधिकारी आपका जो कागज है वो ऑनलाइन कर देगा, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्रेशन आपका कर देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको आसानी से ई श्रम कार्ड के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करवा सकते हैं। तो गाइस, आपको पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि श्रम कार्ड के तहत आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे आवेदन करना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होता तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरे रिप्लाई दूंगा। तो गाइस, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो साथ। अपनी जय हिंद, वंदे मातरम।